खबर पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। मीडिया संस्थानों पर हुई छापामार कार्रवाई से वैसे तो पूरे भारत के पत्रकारों में रोष है, लोग जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। इसी क्रम में जनपद एटा में भी पत्रकारों ने एक ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। प्रेस क्लब के तत्वावधान में पत्रकार देवेश पाल सिंह के नेतृत्व में जनपद के पत्रकारों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया जो कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित है। पत्रकारों ने कहा कि जिस तरह सरकार कार्यवाही को अंजाम दे रही है उससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मीडिया की कितनी आवश्यकता है। आइए बात करते हैं पत्रकार देवेश साहब से। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। दरअसल आपने देखा होगा कि जिस तरह का चुनाव हुआ है उसके बाद से जो अब तक लगातार मीडिया कर्मियों पर इस तरीके से हमले बढ़े हैं और खबरों को लेकर के जिस प्रकार से चल रहा है वो उसको लेकर जो मीडिया संस्थानों के अंदर जो कार्रवाई विरोधात्मक कार्रवाई हो रही है वो उससे पत्रकार में बहुत आक्रोश है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के पत्रकारों में इस काम को लेकर आक्रोश है कि सरकार जो है पत्रकारों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। खबरें दिखाने को लेकर के कहीं ना कहीं खबरें इस टाइप पे खबरें जो वो सच्चाई दिखा रहे हैं उसको रोकने के लिए ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज हमने एटा में एटा प्रेस क्लब के सारे पदाधिकारियों में मिल करके और राज्यपाल को माननीय डीएम साहब के माध्यम से जो है हमने दिया है वो राज्यपाल साहब को कि इसमें ये मांग की गई कि इस प्रकार जो खबरें निष्पक्ष खबर अभियान हथेल पर लेकर पत्रकार दिखाते हैं और फिर उसके बाद उनके उन पर जो हिंसात्मक कार्रवाई होती है या इस तरह की दमन होता है वो तुरंत रोका जाए और पत्रकारों को भी इसको लेकर के पूरा सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाए जिससे कि पत्रकार निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन जी तीन माह दो तीन बिंदु है उसको लेकर के दिया गया है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करे सरकार और जिस तरह की खबरों को लेकर के कार्रवाई चलती है ये इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगे, पत्रकारों को एक माहौल दे, निष्पक्ष माहौल दे काम करने के लिए और जो मीडिया संस्थान है बड़े चाहे वो रीजनल हों चाहे नेशनल हों जो उनके विरुद्ध भी इस तरीके के जो दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं वो ऐसी कार्रवाई भविष्य में ना हो इसको लेकर के पूरा पत्रकार जगत पूरे देश का पत्रकार जगत जो एकजुट है और एक पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। अगर आपकी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अग्रम क्या कदम रहेगा? सरकार की मांग का पूरा नहीं जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है तो वो संज्ञान लेंगे और अगर मांग न मानने का कोई सवाल नहीं होता है हम लोग तो हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी अगर नहीं करेंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग एकत्रित इस मामले को लेकर के चिंतित भी हैं कि जिस प्रकार मीडिया कर्मियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो आने वाली स्थिति जो बहुत भयावह होगी, मीडिया काम ही नहीं कर पाएंगे। जो सच मीडिया के लोग अपनी जान हथेली में लेकर दिखाते हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा? तो हम लोग इसके प्रति अवेयर हैं और इसका फिर भी रणनीति बना रहे हैं। आगे अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रणनीति पर आगे विचार करेंगे कि हमको क्या करना।